Good day students, this is index number of statistics, lecture number 5 और हम कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर दो मेथड्स आज जैसे आपको बताया, फर्स्ट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, द सेकंड इज फैमिली बजट मेथड. अभी हमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड पे, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, और अब हम जाएंगे फैमिली बजट मेथड पर. उससे पहले इसके थ्रेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं. प्लीज ओपन पेज नंबर 202. पेज नंबर 202 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. जैसे कल बताया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंजेस ओवर टाइम इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड्स एक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स. रहने का खर्चा, रिटेल का खर्चा, डिफरेंट सी पी आईज फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स. हर टाइप के कंज्यूमर का अलग अलग सी पी आई होता है. द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कंज्यूमर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी आर डिफरेंट. डिफरेंट कैटेगरीज आर डिफरेंट. सो देर आर डिफरेंट सी पी आई बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स. दीज आर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिफरेंट होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे कंजम्पशन करते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर एंड रूरल लेबर. एग्रीकल्चरल लेबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग होता है, क्योंकि उन्हें बाहर जाके कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो वो प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज वट एवर दे प्रोड्यूस फर्स्ट दे कंज्यूम, द रिमेनिंग दे सेल इन टू द मार्केट. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड सेक्टर्स. मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. द फर्स्ट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. दिस मेथड इज सेम एज लास्ट ईयर्स मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वेटेड इंडेक्स. द फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड. सिग्मा P1Q0 बाय सिग्मा P0Q0 इनटू 100. बस P01 की जगह आप CPI लिखेंगे, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. एग्जाम्पल 1 मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया था. आप जाते हैं आज के टॉपिक पे, फैमिली बजट मेथड. इन दिस मेथड द फैमिली बजट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर हुम द इंडेक्स इज मेंट आर केयरफुली स्टडीड. देन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज फैमिली ऑन वेरियस कॉमोडिटीज इज एस्टिमेटेड. द वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट द वेट्स. CPI इज कंप्यूटेड इन द सेम मैनर एज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. हमने जो वेटेड प्राइस रिलेटिव किया था, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. कहने का मतलब है फैमिली बजट मेथड इज सिग्मा PW बाय सिग्मा P. आप P की जगह R भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया, वेयर P इज P1 बाय P0 इंटू 100 एंड W आर वेट्स गिवन. और अगर नहीं गिवन तो इट वुड बी P0Q0. दिस इज लास्ट पेयर मेथड. P01 की जगह CPI लिखेंगे एंड दिस इज वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड. P01 की जगह CPI लिखेंगे. फर्क सिर्फ होता है आप कॉमोडिटीज की सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं और कौन सी कॉमोडिटीज की सिलेक्शन कर रहे हैं. CPI इज सिग्मा IW बाय सिग्मा W. इन्होंने I लिखा हुआ है, हमने P लिखा है, कई बुक्स में R लिखा होता है एंड W इज वेट्स. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन कंसेप्ट. आगे एक लाइन लिखिए, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर. फैमिली बजट मेथड में ही लिख लीजिए, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर. परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं. परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इज 1/CPI. वन अपॉन सी पी आई नोट डाउन कीजिए, 1/CPI. क्या होता है वो हम इसी क्वेश्चन में अभी करेंगे, परचेजिंग पावर कंप्यूट करेंगे. चलिए राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर. नोट डाउन द क्वेश्चन, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर यूजिंग फैमिली बजट मेथड. आगे ये डेटा है. ऑल्सो कंप्यूट purchasing power of consumer. also compute purchasing power of consumer.
दिस इज योर क्वेश्चन, गिविंग यू 1 मिनट, नोट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। Speed up, complete, note down the question so that we can start up with the solution then. Okay, let's start. Commodity A, B, C, D, E, F. This is quantity in 2011, so it is Q0. बेस ईयर क्वांटिटी गिवन है 100, 25, 10, 20, 25, 30. प्राइस इज इन 2011, दिस इज P0, 8, 6, 5, 48, 15, 9. प्राइस इन 2016, P1, 12, 7.5, 5.25, 52, 16.5 and 27. सबसे पहले हमें चाहिए P0 × 100, इस वजह से बाद में फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। 12 × 8 × 100, 7.5 × 6 × 100, 5.25 ÷ 5 × 100, 52 ÷ 48 × 100, 16.5 ÷ 15 × 100, 27 ÷ 9 × 100। ये देख सकते हैं हम 9 से 27 हुआ है तो 300, 100 की चीज़ 300 की होगी, तीन गुना होगी ना, जो चीज़ 100 की थी अब 300 की बिक्री है, तभी 9 की चीज़ 27 में बिक्री है। W वेट्स गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन तो P0 Q0, वेट्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो P0 Q0 800, 150, 50, 960, 375, 270. This is 898.33. This is 2605. Note down the calculation once. Speed up, note down the calculations. हमें sigma p तो चाहिए भी नहीं, हमें सिग्मा पी डब्ल्यू चाहिए, तो वी नीड पी डब्ल्यू टू। क्वाइट बिग कैलकुलेशंस, 150 × 200 = 800, 120,000, 18,750, 5,250, 103,
996.8 370246.8 370246.80.8. How to find consumer price index? CPI under family budget method is sigma PW by sigma W, 370246.8 divided by 2605. It's 142.13. और CPI आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उन्होंने पूछा परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इज 1 अपॉन CPI 1 अपॉन 142.13. नॉर्मली इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, 0.70. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसका मतलब क्या हुआ, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, चीज़ें 100 रुपये की चीज़ अब 142 की हो गई है, चीज़ें इतनी महंगी हो गई है तो आप सिर्फ 70% ही खर्च कर पाएंगे. मतलब अगर आप पहले 100,000 रुपया कमा रहे थे और अब आप 100,000 ही कमा रहे हैं बट 70,000 जितना सामान खरीद पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें महंगी हो चुकी हैं. आई रिपीट अगेन, पहले आप 10,000 अर्न कर रहे थे. हाउ मच यू आर अर्निंग? 10,000. अब भी आप 10,000 ही अर्न कर रहे हैं तो आप कहेंगे ठीक है हम तो आप कंसिस्टेंट. नो, 10,000 का 70% 7,000, आप सिर्फ 70% पर ही काम कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं. जो आप कमा रहे हैं वो खर्च चीज़ों पर करेंगे और चीज़ें महंगी हो चुकी हैं. दिस इज परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, 1 अपॉन CPI और 1 अपॉन CPI इंटू 100, राइट? बेसिकली दिस इज इन कंपेरिजन टू 100, दैट इज वाई. प्लीज कंप्लीट योर सम, आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर द सेम. कंप्लीट कीजिए और यहां से हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंप्लीट होता है. Fifteen more seconds. Okay. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दो मेथड हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड. दोनों से आंसर सेम आते हैं. नीचे आंसर लिखिए, नीचे एक नोट दीजिए, स्पीड अप, गिव अ नोट. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट The answer will remain same
The answer will remain same. Under aggregate expenditure method, and family budget method, provided weights are to be calculated, full stop. हमें वेट्स खुद कंप्यूट करने पड़ेंगे. अगर वेट्स पहले से गिवन है फिर आंसर डिफर कर सकता है. रीजन, वेट्स हम निकालते हैं P0, Q0, जो क्वेश्चन में पहले से गिवन हो वो किसी और बेसिस पे गिवन हो सकते हैं. फिर दो फॉर्मूलेस का क्या मतलब, कैटेगरीज ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, दे आर डिफरेंट. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस. सो अनवेटेड, वेटेड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंप्लीट. अब और बहुत तरह के इंडेक्स की डेफिनेशंस हम करने वाले हैं. होलसेल प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स, सेंसेक्स, इन्फ्लेशन प्लस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स. लेट्स डू वन बाय वन. पेज नंबर 203, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, इनकी सिर्फ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री. अगर किसी कंट्री के अंदर प्राइसेस का चेंज चेक करना है तो हम चेक करेंगे WPI. अगर इन्फ्लेशन चेक करना है तो चेक करेंगे CPI, क्योंकि उससे पता लगता है कि कंज्यूमर कितना खर्च कर पा रहा है. और अगर हम चेक करना चाहते हैं कंट्री का जनरल प्राइस लेवल तो विल कंप्यूट WPI. द प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ दोज कॉमोडिटीज विच आर ट्रेडेड ऑन होलसेल रेट्स लाइक ऑयल, शुगर, वीट एक्सेट्रा. दिस प्राइस इंडेक्स टोटली इग्नोर्स द सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कोई होलसेल होता ही नहीं है. There is only one composite wholesale price index for the whole country and it is computed on weekly basis. Har hafte WPI compute hota hai, par ye service sector ko ignore karte. The methods for computing wholesale price index are same as discussed in consumer price index. You may check groups for the construction of wholesale price index. The first is primary articles like minerals. Then fuel and power like kerosene, diesel, petrol, and then manufactured products, the goods which are already been manufactured. Then we have industrial production index. ये index हमें ये बताता है कि industry कितनी production कर रही है, like steel industry or coal mining industry or cement industry. The index number of industrial production measures the changes in the level of industrial production in the country. It includes the production of the public and the private sector. It represents the general level of industrial activity in the country. इससे पता लगता है कि country में industries ऊपर जा रही हैं या नीचे. Composition of index of industrial production would be sector wise composition, mining, coal, gold, manufacturing, cement, plastic, electricity, power generation. Use wise composition, as per this category the items included in IIP are divided into basic goods, capital goods, intermediate goods, consumer goods. Aur iska jo formula rahega wo rahega ye, dhyan dijiye, this would be the formula sigma PW by sigma. Okay, that is my mistake, aapne note kar hi liya hoga ye. That is not sigma P, that is sigma W. This is consumer price index. Agar industrial production karna hai to ye formula ban jayega sigma QW by sigma W. This sigma QW by sigma W. And what is Q? Q1 by Q0 into 100. This is quantity index. क्योंकि हमने सिर्फ प्रोडक्शन चेक करनी है, उसका प्राइस नहीं. एंड व्हाट इज W? द W रिमेन सेम, P0 Q0. और इफ द वेट्स आर गिवन दैट इज वेरी नाइस.
you need not compute the weights in that case. So consumer price index retail prices ko check karta hai jo inflation mein focus karta hai. Wholesale price index weekly basis pe compute kiya jata hai jo general price level check karta hai. और इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज पर कंप्यूट किया जाता है ताकि इंडस्ट्रियल की एक्टिविटीज पता चल पाए. अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर्स आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स एपीआई. इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज अ वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव. इट्स बेस पीरियड इज द ट्रिनियम एंडिंग इंक्रीज टू 81-82. द इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज दिस. फूड ग्रेन्स हैव अ वेट ऑफ दिस. आपको सिर्फ डेफिनेशन देखनी है. व्हाट इज डेफिनेशन? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स मेजर्स द चेंज ओवर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द कंट्री. लिखिए एपीआई की डेफिनेशन. लिखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स measures changes in the level of agricultural production in the country. Agricultural production in the country. Full stop. Now what is Sensex? ये stock market कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू को कंप्यूट करता है. सेंसेक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स विच टेक 78-79 एज बेस. इट इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट. इट कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक्स विच रिप्रेजेंट 13 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द कंपनीज आर लिस्टेड आर लीडर्स इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. हर इंडस्ट्री के लीडर की कंपनी को यहां पे रखा जाता है. इफ द सेंसेक्स राइजेस इट इंडिकेट्स दैट मार्केट इज डूइंग वेल एंड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट बेटर अर्निंग्स फ्रॉम द कंपनीज. इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ ग्रोइंग कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द बेसिक हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. इफ सेंसेक्स गोज अप द प्राइजेस ऑफ स्टॉक एक्सपेक्टेड टू गो अप. इफ सेंसेक्स गोज डाउन द प्राइजेस ऑफ स्टॉक्स विल गो डाउन एंड द रिटर्न्स विल बी लेस. व्हाट इज सेंसेक्स? It measures the changes in the stock market of the industries and the companies listed are the leaders in their respective sector. Production price index PPI. PPI number measures price changes in the producer perspective. It concentrates on the area of industry based production and stage of processing based production. A worker group of revision of WPI inter alia examining the feasibility of switching over WPI to PPI in India as in many countries. India WPI follow कर रहा है but India अब PPI की तरफ move करने की try कर रहा है क्योंकि सभी developed countries WPI नहीं PPI निकालते हैं. Producer के perspective से index compute करती है. इसकी definition लिखिए. Write down. Production price index. Production price index measures changes in the level of production in the industry. Changes in the level of production in the industry with respect to its producer. With respect to its producer, मतलब producer check करता है कि पिछले साल के comparison अब कितनी production उसकी industry में change हो रही है, ना कि पूरी India में industry में change हो रही है production. Now move to page 206. Inflation and index number. Inflation and index number. Inflation is described as a situation featured by sustained increase in general price level.
जब इंडिया के अंदर चीज़ें आराम से जनरली इंक्रीज करेंगी, महंगी होंगी, तो हम कहेंगे इंडिया में इन्फ्लेशन है। अ स्मॉल राइज इन प्राइस और एन इरेगुलर प्राइस कैन नॉट बी कॉल्ड इन्फ्लेशन। अचानक प्राइस बढ़ गया तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। होलसेल प्राइस इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स एट्रीब्यूट्स। इंडिया में इन्फ्लेशन WPI और CPI के कॉम्बिनेशन से निकाला जाता है। फर्स्ट, द WPI इज द मोस्ट वाइडली यूज प्राइस इंडेक्स एज एन इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। इट इज द ओनली जनरल इंडेक्स कैप्चरिंग प्राइस मूवमेंट इन कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑन द वीकली बेसिस। WPI इज अवेलेबल ऑन वीकली बेसिस विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम लैग ऑफ 2 weeks। However, in recent times, CPI has increasingly been referred as a measure of inflation. पहले WPI होता था, अब CPI होता है। I'm giving you 1 to 2 minutes and you are supposed to read the definitions of. आप ये definitions पढ़ने वाले हैं, consumer price index, wholesale price index, industrial production index, agricultural production index, सेंसेक्स एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ऑल 6 डेफिनेशंस, इन 6 की डेफिनेशंस आप अभी पढ़ रहे हैं एंड आई एम गिविंग यू 1.5 to 2 minutes फॉर दैट। देन विल मूव टू फर्दर टॉपिक। स्पीड अप, रीड आउट ऑल द 6 डेफिनेशंस इन नेक्स्ट 1.5 minutes। Speed up 30 more seconds. Okay, now let's move to theoretical question. Page 208, question number 10. Page 208, question number 10. Read the following table carefully and give your comments. Ye industrial production index given hai, IPI. What is the formula for that? Delta QW by delta Q, summation QW by summation W, where Q is equal to Q1 by Q0 into 100. पर हमें इसमें सॉल्व नहीं करना, इट्स अ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। आपको इंडेक्स गिवन है, उससे आपको उसकी एनालिसिस करनी है। देख सकते हैं माइनिंग का 10% वेट है। 96-97 में 118 की प्रोडक्शन थी और अब 146 की है, मतलब इन 6 से 7 सालों में माइनिंग काफ़ी इंक्रीज की है।
अप्रॉक्सीमेटली 30%। मैन्युफैक्चरिंग का वेट काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। 133 से 196 सेवन ईयर्स में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स। पार 10%, पार की भी प्रोडक्शन बढ़ी है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि तीनों चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी है एंड ओवरऑल 50% इंक्रीज हुआ है, 130.8 से 189 जनरल इंडेक्स शो गिवन है। नाउ दीज आर योर एनालिसिस, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी मेड बाय एनालाइजिंग द डेटा टेबल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज द हाईएस्ट वेट इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन व्हाइल माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज आर लेस, ओनली 10%। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ अमंग ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन बोथ द ईयर्स। माइनिंग एंड क्वारिंग हैज रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ इन बोथ द ईयर्स। द जर्नल इंडेक्स शोज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 30.8% एज कंपेयर टू 93-94 एंड बाय 89% फॉर 2003-04। 30% कैसे आया? 130.8 है तो 100 इज द बेस, 100 से 130 30% बढ़ गया, फिर 100 से 189 89% बढ़ गया, या 130, लाइक दिस इज हाउ वी डू एनालिसिस। सी पहले 100, प्लीज सी 130.8, 189.0, 30% increase, we say around 50% increase, or they have written 89% increase, इसको base लिया है, so percentages increase की है। This is your analysis, industrial production index, clear? Now what are the limitations? Index number की limitations क्या है? Please open page 217. Page 217. Question 47. Index numbers are constructed with certain specific objectives, so their use is limited. Index number का use limited है. In the context of this statement, discuss any four limitations of index number. Index number की चार limitations बताइए. Number one, limited applicability. हर person index number use नहीं कर सकता. इसका use सिर्फ professionals कर सकते हैं. Each and every index number is constructed for a specific purpose. If it is used for some other purpose, then it might give misleading results. So index number has limited applicability. जैसे WPI, whole price, wholesale price index, industrials को represent नहीं कर सकता. Consumer price index, family budget method, industries को represent नहीं कर सकता. Industrial price index और industrial quantity index, इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंस इन द यूनिट ऑफ करेंसी एंड ऑल्सो डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. इंडेक्स नंबर फेल टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल कंपैरिजंस. इंडिया का इंडेक्स नंबर कैनेडा के इंडेक्स नंबर को कंपेरेबल नहीं है. इट कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल. रीजन, इंडिया में INR है, कैनेडा में कैनेडियन डॉलर्स है. Rate different and not possible. Third, limited coverage. Index numbers are generally based on sample items as it is practically impossible to include all the commodities. If the selected items are not able to represent the entire universe, then index number will not present the clear picture. हम ये जो commodities लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमने 5 commodities ली, A, B, C, D, E, F. ये 6 commodities पूरे यूनिवर्स को, मतलब इंडिया के अंदर जितनी कॉमोडिटीज़ हैं सबको रिप्रेजेंट नहीं करता. सोचिए, ये वही 5 कॉमोडिटीज़ हैं जिनका प्राइस कम हुआ है. पेन ड्राइव्स, सीडीज़, इंटरनेट, कॉल रेट्स,
अदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स, तो आप देख सकते हैं कि ये कम आएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइजेस कम हो रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि सिलेक्टेड ही हमने वही कॉमोडिटीज की हैं जिनका प्राइस कम हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर एज कम्पेयर टू बेस ईयर। एंड द लास्ट डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इन्वॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स सच एज द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, कौन सा बेस सिलेक्ट करें, सिलेक्शन ऑफ कॉमोडिटीज, सिलेक्शन ऑफ एवरेज, सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डेटा एक्सेट्रा। सो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन नॉट पॉसिबल ड्यू टू चेंज इन द करेंसी। लिमिटेड कवरेज, कॉमोडिटीज आर वेरी लेस। एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक कैलकुलेशंस, मीन, डेटा कहाँ से कलेक्ट की है, बेस ईयर कौन सा सिलेक्ट की है, एक्सेट्रा। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। गिविंग यू 1 मिनट, हैव अ लुक ऑन दैट। 1 मिनट लीजिए और चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह रीड आउट कीजिए, स्टार मार्क कीजिए लिमिटेशंस पे, स्पीड अप। 1 मिनट फॉर द सेम। Now I'm giving you 2 questions for practice and we are done with lecture number 5 of index number. The 2 questions I'm giving for practice are: page 203, example 2. Page 203, example 2, this is family budget method. And page 205, example 3, this is industrial production index. ये आप skip भी कर सकते हैं, you may skip that, because calculations काफी technical है, but 6 marker question if you want to, exam में आएगा नहीं but theoretical आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो this question you may skip, that this you should do, ये आप जरूर करेंगे, this you may skip. Bye bye, take care, God bless.